पब्लिक, क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे धिनचक पूजा के छोटे भाई उर्फ खान हिलाल के बारे में। ये लंड जैसी शक्ल का आदमी अपने आप को सिंगर बताता है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से बिलोंग करता है। इसके गाने सुनने के बाद आपका दिमाग आपसे बस एक ही सवाल पूछेगा, ये का बवासीर बना दिया हो? तो खैर यार, एक्स्ट्रा बकचोदी को साइड में रखते और शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी बकचोदी के। कुछ सोच का बोला होगा तुम्हें, इसमें तेरा घाटा मेरा लौड़ा। इस गाने का बलात्कार ना काफी पहले ही बहुत सारे लोगों ने करके रखा था। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा से। ये लंड जैसी शक्ल का भी आ गया। इस भोसड़ी वाले ने बस गाने का बलात्कार ही नहीं किया, लिरिक्स की माँ बहन भी एक कर दी। भाई चांस, अगर गजेंद्र वर्मा ने ये चुदाब देख लिया ना, तो भोसड़ी के चप्पल भिगो भिगो के मारेगा वो तुझे। या प्यार भी तोला होगा तुम्हें। नहीं यार, लौंडे के चेहरे पे दर्द देख रहे हो? ये दर्द ना ब्रेकअप का बिल्कुल नहीं है। पैरों के पीछे जब कोई सुअर किसी इंसान की जम के खुदाई करता है ना, तब बनती है ऐसी शक्ल। सही पकड़े हैं। अब ना है तो फिर ना सहे दिलवर, इस दिल को या समझा लिया तुमने। ये बकचोदी देखने और सुनने के बाद ना, कोई भी इंसान अपने कानों और आंखों में हार्पिक डाले बिना रह नहीं सकता। नहीं यार, कॉन्फिडेंस देख रहे हो लौंडे की? लंड जैसी शक्ल होने के बावजूद ये शक्ल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड करने में इसे इतना सा भी शर्म नहीं आया। शर्ट के बटन देखो, कतई गर्दन तक लॉक किया हुआ है। ये कोई स्टाइल नहीं, ये इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये एक बटन ही है जिसने इसकी मुंडी को इसके शरीर के साथ जोड़ के रखा है। गलती से अगर ये बटन खुल जाए ना, तो भैया तुम समझ सकते हो कि इसका क्या हाल हो सकता है। ज्यादा प्यार हो जाता तू मैं सच नहीं पाता। लौंडा थोड़ी सी सर्दी झेल नहीं पा रहा है, और भैया बातें करते हैं ज्यादा प्यार झेलने की। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है, एक ऐसी शक्ल का इंसान प्यार मोहब्बत की बातें कैसे कर सकता है। बहनचोद, इसके गानों को सुनने के बाद ना, मुझे धिनचक पूजा में सुरों की देवता नजर आ रही है। माना वो भी गानों के नाम पे टट्टी ही करती है, लेकिन भोसड़ी वाली ठीक से हिंदी तो बोल लेती है। इस भोसड़ी वाले से तो ये भी नहीं हो रहा। तुमसे ना हो पाएगा। कोई ये गिटार इसके गांड में दे दो। इतने खत्म शरीर के साथ चूतिए से गिटार उठाया नहीं जा रहा है, फिर भी बहनचोद ये वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पे हक के ही मानेंगे। सही पकड़े हैं। कुछ कस गया जान लेते हो। धुएं में लौंडे से सांस नहीं लिया जा रहा है। ये चमन चूतिया अंदर से इतना बीमार है कि इसके घर वाले इसके तीसरे छेद में हमेशा एक ऑक्सीजन की पाइप घुसा के रखते हैं, ताकि ये भोसड़ी का ऑक्सीजन की कमी से मर ना जाए। और देखो घर वालों से छुप के कैसे सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। मेरी नज़र से देखा बता तुमने, इस बात का हंसना मुझको। अरे कहना क्या चाहते हो बहनचोद, आखिर तू बोलना क्या चाहता है? ये जो टट्टी बना के तूने अपलोड किया है, कम से कम समझ में तो आना चाहिए। लिरिक्स की माँ बहन करना कोई इनसे सीखे। आजकल ना YouTube में क्वालिटी कंटेंट से ज्यादा कचरा कंटेंट मिलता है, और ये साला भोसड़ी का उन्हीं कचरों में से एक है। साले से हिंदी बोली नहीं जा रही, ना वीडियो के साथ लिपसिंग कर पा रहा है, और ना ही लिरिक्स समझ में आ रहा है, फिर भी साला एक हफ्ते से ये वीडियो कतई वायरल चल रहा है। न्याय करो, तुम न्याय करो। इसमें ना तेरा घाटा और ना ही उसका, इसमें बस हमारा ही घाटा ही घाटा, क्योंकि मैंने तेरी इस बकचोदी को पूरा देखा है, जिसकी वजह से मेरी किडनी में ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, कानों से खूनों की नदियां बह रही है, दिमाग बिल्कुल सुन पड़ चुका है। इससे ज्यादा अत्याचार मेरा ये मासूम शरीर और झेल नहीं सकता। तो यार आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं, और यार जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।